हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और नीट 31 ईयर प्रॉब्लम हम कर रहे थे और इससे आगे प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। तो चलो, ये प्रॉब्लम है, ये एक्चुअली काफ़ी फेमस है, ठीक है। और ये काफ़ी बार आपको मॉड्यूल वगैरह में किए भी हो गए और आता भी है, ठीक है। ये भी क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। फिजिक्स में वही चीज़ें जुड़ेंगी और उन्हीं चीज़ों के भी सब्स्ट्रैक्शन और एडिशन पॉसिबल होगा जिनका नेचर सेम होगा, यूनिट सेम होगा, डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा, ठीक है। तो चलो, अब ये हम एक इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन में आपके वेरिएबल वॉल्यूम है और ये भी कॉन्स्टेंट है। तो ये जो कॉन्स्टेंट है उसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। थीटा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, पी प्रेशर है, ठीक है। तो आप देखो, अब आपको पता है कि अगर ये डायमेंशनली एड होते हैं तो किसी एक टर्म, ये जो होता है उसको टर्म बोलते हैं, इसका डायमेंशनल फार्मूला इसके इक्वल होगा और इसके इक्वल होगा, सभी के इक्वल होता है सभी का, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डायमेंशनली ए कैपिटल बी स्क्वायर पी के इक्वल होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ए का डायमेंशन प्रेशर पी और वॉल्यूम बी के स्क्वायर के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ प्रेशर पी का हो गया फोर्स एम एल टी माइनस टू अपॉन एरिया एल का स्क्वायर। फोर्स प्रेशर हो गया फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, क्लियर है फोर्स। और ये वॉल्यूम का हो गया एल की पावर थ्री, तो ये आ गया सिक्स, मतलब एल की पावर फोर आ गया। और एक एल एम एल की पावर फाइव और टी की पावर माइनस टू, एम एल की पावर फाइव टी की पावर माइनस टू, दैट इज सी ऑप्शन सही है, है ना, आसान था। चलो, ये कहता है डेंसिटी ऑफ एक क्यूब है, उसकी हम डेंसिटी मेजरमेंट कर रहे हैं, लेकिन हम डेंसिटी मास और लेंथ में मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है। इफ द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द मास, मास में मतलब डेल्टा एम अपॉन एम मल्टीप्लाइड बाई 100, परसेंटेज एरर इन मास 3% दिया हुआ है, और साथ साथ लेंथ मतलब डेल्टा एल अपॉन एल और मल्टीप्लाइड बाई 100, दैट इज इक्वल टू 2% दिया हुआ लेंथ में एरर। ये तो हमें डेंसिटी में कितने परसेंट का एरर आएगा, चलो निकाल लेते हैं डेंसिटी में कितने परसेंट का एरर आएगा। तो मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी, तो डेंसिटी इज इक्वल टू ऑफ द क्यूब, मास अपन वॉल्यूम आ गया यार। इसका मतलब ये हुआ कि मास और वॉल्यूम आ गया एल की पावर क्यूब क्यूब का। इसका मतलब ये हुआ कि जब परसेंटेज एरर के टर्म में लिखोगे इसको, तो डेल्टा रो अपन रो और मल्टीप्लाई कर दिया जाए 100 से परसेंटेज एरर के लिए, डेल्टा एम अपन एम और मल्टीप्लाई कर दिया जाए 3 प्लस 3 टाइम्स, एक मिनट थोड़ा साफ लिखूँ आपको, तो ये यहाँ पे प्लस 3 टाइम्स डेल्टा एल अपन एल और मल्टीप्लाई कर दूँ 100 से परसेंटेज के लिए, ठीक है, क्लियर है। अब ये सारी वैल्यू डाल दो यार, परसेंटेज एरर इनियम कितना है 3%, तो ये 3% इधर आ गया और डेल्टा एल में 2% है और 6% इधर आ गया, ठीक है। तो कुल मिला के 9% का एरर आ गया डेंसिटी में, तो डेंसिटी में 9% का एरर आ गया, मतलब हम लोगों का जो डी ऑप्शन है वो सही है, ठीक है ना, क्लियर है। चलो, अब ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइमेंशनल कॉन्स्टेंट। ध्यान देना, इस क्वेश्चन को करने में कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं। डाइमेंशन के अकॉर्डिंग पूरे जो वेरिएबल थे उनको चार पार्ट में डिवाइड किया गया यार, कौन कौन, डाइमेंशनल कॉन्स्टेंट, डाइमेंशनल लेस कॉन्स्टेंट, डाइमेंशनल वेरिएबल और डाइमेंशनल लेस वेरिएबल। तो डाइमेंशनल कॉन्स्टेंट ऐसे कॉन्स्टेंट होते हैं जिनके पास डाइमेंशन तो होता है पर वो यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट होते हैं, ऐसे कॉन्स्टेंट को डाइमेंशनल कॉन्स्टेंट बोलते हैं। डाइमेंशनल लेस कॉन्स्टेंट मतलब पूरे यूनिवर्स में कॉन्स्टेंट रहेंगे पर उनके पास डायमेंशन ही नहीं होगा। तो अभी हमें क्या करना है, डाइमेंशनल कॉन्स्टेंट निकालना। डाइमेंशनल कॉन्स्टेंट का मतलब होता है कि डायमेंशन तो होगा पर यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट, क्या रिलेटिव डेंसिटी के पास डायमेंशन होता है, कभी नहीं भाई, ठीक है, ये डायमेंशन इस पर होता ही नहीं। क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के पास डायमेंशन होता है, कभी नहीं, ठीक है। क्या पॉइसन रेशियो के पास डायमेंशन होता है, कभी नहीं। ये सब डायमेंशनल लेस है, इनके पास कोई डायमेंशन होता ही नहीं है। ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट कैपिटल जी, जी इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। अब तो यहाँ से जी की वैल्यू आ जाएगी एल टी माइनस टू और एल स्क्वायर इज इक्वल टू एम की पावर माइनस वन, एम की पावर माइनस वन, एल की पावर
थ्री और टी की पावर माइनस टू, ये एक ऐसा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है और इसके बाद डायमेंशन भी होता है, मतलब बी ऑप्शन सही है। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ आरसी। अब आरसी इसके करने के दो तरीके हैं, ठीक है। पहला तो रेजिस्टेंस का निकाल के आओ और दूसरा कैपेसिटर का निकाल के लेके आओ और ये मल्टीप्लाई करो, फिर आरसी आ जाएगा। और सबसे आसान तरीका मेरे हिसाब से सबसे आसान तरीका है, ठीक है, रेजिस्टेंस निकालो, कैपेसिटर निकालो, फिर ये निकालो। ट्वेल्थ में पढ़ते हैं इसको, इलेवंथ वाले घबराना नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि या नहीं तो आपको पता है कि अगर कोई कैपेसिटर होता है तो उस कैपेसिटर पर किसी इंस्टेंट जो चार्ज होता है क्यू नॉट वन माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी का इक्वल होता है, ये फार्मूला होता है, यहाँ लिख दूँ एक बार। तो क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट वन माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, दैट इज द इंस्टेंटेनियस चार्ज ऑन द कैपेसिटर। जब किसी कैपेसिटर को बैटरी से चार्ज करते हैं, प्लस माइनस वी वोल्ट की बैटरी लगाते हैं, तो टी टाइम बाद उसके ऊपर कितना चार्ज होगा उसका एक्सप्रेशन होता है, यही आर सी आता है। अब आर सी का डायमेंशनल फार्मूला वही होगा क्योंकि ई की पावर कुछ भी हो डायमेंशनल लेस होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि टी की पावर आर सी डायमेंशनल लेस है, एम नॉट एल नॉट टी नॉट है, उसको वन के बराबर कर देता हूँ। तो आर सी का डायमेंशनल फार्मूला टाइम के इक्वल हो गया। वैसे भी यार जब ट्वेल्थ का फिजिक्स पढ़ लोगे तो आर सी, ठीक है, ये आर सी ये यहाँ पे ये फार्मूला तुम्हें याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टाइम के इक्वल है। नहीं तो अब दूसरा तरीका ये है कि रेजिस्टेंस का निकालो, कैपेसिटर का निकालो और मल्टीप्लाई करो, ऐसे भी कर सकते हो। कहता है परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द मास एंड स्पीड। ठीक है, मास एंड स्पीड में परसेंटेज एरर जो है 2 और 3% है। तो काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंट का एरर आएगा? चलो, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम बी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी में अगर परसेंटेज कम है, अप टू 5% है, तो मैं एरर वाला कॉन्सेप्ट लगा सकता हूँ। ठीक है, तो ये अब 1/2 यूनिवर्सल कांस्टेंट है, उसमें कभी कोई एरर नहीं आएगा। डेल्टा एम अपन टू डेल्टा वी अपन वी और मल्टीप्लाइड बाई 100%। ठीक है, तो ये आ जाएगा हम लोगों को परसेंटेज एरर। मास में परसेंटेज एरर कितना, देखो दिया हुआ है डेल्टा एम अपन एम मल्टीप्लाइड बाई 100 की वैल्यू 2% है। तो यहाँ से 2% आ गया और यहाँ से 2 इधर से आ गया डेल्टा वी में 3%, तो ये आ गया 6%। ठीक है, तो कुल मिला के 8% काइनेटिक एनर्जी में एरर आएगा। अगर यही 200% होता, 100% होता, तो ये कॉन्सेप्ट आप नहीं लगा सकते, एरर का कॉन्सेप्ट नहीं लगाओगे। ठीक है, समझ रहे हो? यहाँ बोल देता कि यहाँ 30% है और यहाँ 50% है, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? तब एक्चुअल जैसे परसेंटेज निकालते हैं वैसे निकालेंगे, फाइनल निकालेंगे, इनिशियल निकालेंगे, घटाएंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे परसेंटेज निकालते हैं। चलो, एक कहता है टर्पेंटाइल ऑयल इज फ्लोइंग थ्रू ए ट्यूब। ट्यूब है, उससे ऑयल फ्लो हो रहा है टर्पेंटाइल। लेंथ एल, रेडियस आर है। प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू इंड का, प्रेशर का डिफरेंस है दोनों इंड के बीच का, फार्मूला ऐसे दिया हुआ है। तो हमको डायमेंशनल फार्मूला ईटा का निकालना है। वैसे भी यार ईटा का डायमेंशनल फार्मूला जो है देखो, अगर इस एक्सप्रेशन से दिया हुआ है, एक ट्यूब है, इस ट्यूब में फ्लूइड फ्लो हो रही है, तो यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर का डिफरेंस है। तो प्रेशर का डिफरेंस जो है वो ईटा पी इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4vL। अब देखो डायमेंशनली आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर के साथ माइनस हुआ है, तो अगर एक्स लेंथ है तो आर भी, आर रेडियस है तो एक्स भी लेंथ ही होगा। तो डायमेंशनली देखोगे तो 4 को भूल जाओ और ये डायमेंशनली लेंथ का, ठीक है, ये अब डायमेंशनली जो है वो लेंथ लेंथ होगा, प्रेशर का रख दो, प्रेशर का होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, और इसका डायमेंशनली एल स्क्वायर हो जाएगा और वी और एल। ठीक है, तो कुल मिला के डायमेंशनल फार्मूला रख दो, ये डायमेंशनली सब्सट्रैक्ट कर दिया हूँ, एम एल टी माइनस टू और एल लेंथ का एल स्क्वायर, दैट इज एरिया एल स्क्वायर। ठीक है, एरिया एल का स्क्वायर, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन और दैट इज एल। तो एल स्क्वायर ने एल स्क्वायर को, एक एल ने एक एल को, ठीक है, तो ये आ जाएगा एम एल की पावर माइनस वन
एल की पावर माइनस वन और टी की पावर माइनस वन। वैसे भी ईटा यार, ईटा आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, न्यूटन का जो फोर्स इज इक्वल टू होता है विस्कस फोर्स, सिक्स पाई ईटा आर बी, कई जगह ईटा आता है, तो आपको जहाँ से आसानी हो वहाँ से निकाल सकते हो। चलो नेक्स्ट कहता है टाइम डिपेंडेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। कोई फिजिकल क्वांटिटी है वो टाइम डिपेंडेंट कैसे वेरी कर रही है वो दिया हुआ। अब हमें ये पता ही नहीं है कौन सी क्वांटिटी है, तो पता ही नहीं है तो जानने की जरूरत भी नहीं होगी, तभी तो नहीं बताया है। वेयर ए इज ए कॉन्स्टेंट एंड टी इज द टाइम, ए कॉन्स्टेंट है टी टाइम है, तो कॉन्स्टेंट ए की डायमेंशनल फार्मूला निकालना। क्या हमें जानने की जरूरत है पी क्या है? नहीं, हम क्यों जानेंगे जब हमें जरूरत ही नहीं है। तो P इज इक्वल टू P नॉट, इस एक्सपोनेंशियल को ऐसे मैं लिख सकता हूँ e की पावर a t स्क्वायर, e की पावर a की t, ये एक्सपोनेंशियल है, e की पावर है, ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। अब e की पावर अगर कुछ भी होता है आपको पता है log हुआ, ठीक है, e की पावर हुआ, इसके अंदर कुछ भी हुआ, पाई की पावर कुछ भी हुआ, ये सब डायमेंशनल लेस आते हैं यार, मतलब एम नॉट एल नॉट टी, इसका मतलब ये हुआ ई की पावर डायमेंशनल लेस है, मतलब इसको वन के बराबर कर दूं, एम नॉट एल नॉट टी, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए का डायमेंशनल फार्मूला वन अपन टी स्क्वायर आ गया, ठीक है, वन अपन टी स्क्वायर आ गया, तो टी की पावर माइनस टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए, ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए डायमेंशनल लेस है। चलो ये कहता है P रिप्रेजेंट प्रेशर, C रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ लाइट, S रिप्रेजेंट रेडिएशन एनर्जी स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया नॉन जीरो इंटीजर एक्स वाई जेड। तो ये क्वांटिटी, इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी होगी समझो, एक क्वांटिटी है P X S Y C Z, इसमें एक्स वाई जेड क्या होगी वो हमें निकालना है, ठीक है। चलो सबसे पहले P का डायमेंशनल फार्मूला रखो, ये डायमेंशनल लेस क्वांटिटी बना रहे हैं, ये मिल के सब एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी बना रहे हैं, एम नॉट एल नॉट टी नॉट बना रहे हैं, ठीक है, ये सारे एक डायमेंशनल लेस बना रहे हैं, क्लियर है। तो पी का रहा, देखो पी क्या है, देखो पी डिफाइन किया हुआ, पी रिप्रेजेंट रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर क्या होता है, फोर्स एक्टिव पर यूनिट एरिया, यह आ जाएगा एम एल टी माइनस टू और एरिया का एल का स्क्वायर, मतलब एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू, ये आ गया अपना पी। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, तो सी अगर स्पीड ऑफ लाइट है तो सी का डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, तो सी का डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा एल टी माइनस वन, ठीक है। एस क्या है, एस रिप्रेजेंट, एस देखो क्या डिफाइन किया इन्होंने, ठीक है, एंड एस रिप्रेजेंट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकेंड, एनर्जी फॉल कर रही है किसी सरफेस पे, तो पर यूनिट एरिया पर सेकेंड कितनी एनर्जी फॉल कर रही है वो एस है, तो एस को मैं लिख सकता हूँ दैट इज एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकेंड टाइम टी। अब एनर्जी है वो है एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू, एरिया का हो गया एल स्क्वायर और टी का हो गया टाइम, एल स्क्वायर ने एल स्क्वायर को खत्म कर दिया, मतलब एम और टी की पावर माइनस थ्री दैट इज द एस। तो ये आ गया, ये तीनों हमें पता चल गया, डायमेंशनल फार्मूला इन तीनों का पता चल गया। अब ये सारा उठा के यहाँ रख दो, ठीक है, सी का पता चल गया, पी का पता चल गया और टी एस का पता चल गया, ये उठा के यहाँ रखोगे तो पी इधर बचेगा, पी पी का डालो, पी का क्या निकाले थे, प्रेशर, पी का इधर आया था ना, एम L की पावर, एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर टू दैट इज द x, अगेन s की वैल्यू डालो, s क्या था, एम एल की पावर माइनस थ्री, एम टी की पावर माइनस थ्री दैट इज y, और यहाँ z की वैल्यू l t की पावर माइनस वन दैट इज z। इसका मतलब ये हुआ जब इक्वेशन बनाओगे एम एम को एक पास करो, m की वैल्यू है x प्लस y, ठीक है, एम एल की माइनस एक्स प्लस जेड, ठीक है, टी की पावर यहाँ से माइनस टू एक्स सॉरी प्लस टू एक्स माइनस थ्री वाई और माइनस जेड। तो इधर क्या है, डायमेंशनल लेस, ये एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी बना रहे हैं, ये सब एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी बना रहे हैं, मतलब इधर आ जाएगा एम नॉट एल नॉट टी नॉट, ठीक है ना, ये इसका मतलब ये हुआ एक्स प्लस वाई
दैट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये हुआ x माइनस वाई हो गया, x और माइनस आपस में इक्वल होंगे, और माइनस एक्स प्लस जेड इज ऑल्सो इक्वल टू, और z और x आपस में बराबर होंगे, और ये जो है ये 2x माइनस 3y और माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो, तो ये तीन इक्वेशन बने। अब तुम या तो इनको सॉल्व करो, अपना टाइम वेस्ट करो, या तो इसकी वैल्यू दी हुई है वहाँ कंपेयर कर लो। हमको पता है कि यहाँ पे x और y आपस में इक्वल है, देखो x यहाँ पर है, x और y आपस में इक्वल है बट साइन अपोजिट है, और z और x आपस में इक्वल है, तो देखो x और y आपस में इक्वल है साइन अपोजिट के साथ, मैच करो x और y आपस में, ये कभी सही नहीं हो सकता, x और y बराबर है ये कभी सही नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये x और y आपस में इक्वल है, अपोजिट है, साथ साथ x और z इक्वल है, तो इसमें तो x और z इक्वल ही नहीं है यार, एक प्लस है माइनस, तो ये भी सही नहीं हो सकता, मतलब c ऑप्शन सही है ना, टाइम बचाएंगे हम ना। चलो ये कहता है कि एक कोई वेट मेजरमेंट करते हो यार, वेट मेजरमेंट करते हो और उस वेट मेजरमेंट में मास और वॉल्यूम में इतना एक्चुअल मास है इतना वॉल्यूम है, तो ये कहता है सर्टेन वेट पॉसिबल एरर, अब इसमें जो मेजरमेंट है एक्चुअल एरर इतना आ गया, तो ये जो एरर आया वो डेल्टा एम है, डेल्टा एम कितना आया 0. एब्सोल्यूट एरर आया इसमें, ठीक है, और ये डेल्टा डेल्टा वी वॉल्यूम एरर आया, कितना आया 0.1, और एक्चुअल जो मास था वो कितना था वहाँ पर दिया हुआ 22.42 ग्राम, और एक्चुअल जो वॉल्यूम था वो 4.7 cc था। तो ये पूछ क्या रहा है, मैक्सिमम एरर इन डेंसिटी, डेंसिटी कैसे निकालते हैं यार, तो डेंसिटी इज इक्वल टू, ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ऐसे लिखते हैं ना, मास ऐसे लिखते हैं, डेंसिटीज को मास अपॉन वॉल्यूम, इसका मतलब भी आप परसेंटेज एरर इसमें निकालोगे तो डेल्टा या 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये डेल्टा एम अपॉन एम और प्लस डेल्टा वी अपॉन वी और मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है ना। ये अब डेल्टा या ये जो एरर आया है वो आपको ये वाली जो एरर है वो एब्सोल्यूट एरर है वो दी हुई है, ठीक है, तो ये जो डेल्टा एम है और डेल्टा एम की वैल्यू आपको दिया हुआ कितना है 0.01, और एक्चुअल एम कितना है 22.42 ग्राम, प्लस डेल्टा वी कितना है यार, डेल्टा वी है 0.01, ठीक है, और ये 0.7। वैसे भी कभी कभी मान लो ये वैल्यू नहीं दी रहती, कभी कभी ये वैल्यू नहीं दी रही है, समझ रहा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूँ, ये अगर गायब कर देता है तो ये वैल्यू यहाँ से आ जाती है, ठीक है, क्योंकि ये मिनिमम मेजरमेंट है, ये लिस्ट काउंट की तरह बिहेव करता कभी कभी, ठीक है, तो ये लिस्ट काउंट इसका हो गया 0.001, इसका लिस्ट काउंट 0.01, ठीक है। तो ये अब जब इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना, देखना इसको कितना आता है, इसकी कैलकुलेशन के बाद 2% आएगा, ठीक है, ये कैलकुलेट कर लेना इसको, ये 2% आएगा, चलो नेक्स्ट। एक आता है डायमेंशनल फार्मूला परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू नॉट का डायमेंशनल फार्मूला कहाँ से निकाला जाए यार, म्यू नॉट, तो जो 12th वाले हैं, ठीक है, वो अगर पढ़े होंगे तो म्यू नॉट काफ़ी जगह आता है, ठीक है, मैग्नेटिज्म में आता है, अब मैग्नेटिज्म में आता है तो हमें एक ऐसा फार्मूला सर्च करना है जहाँ म्यू नॉट सबसे आसानी से निकल जाए, ठीक है। तो सबसे पहले आप पढ़े होंगे कि एक करंट कैरिंग वायर है आर डिस्टेंस पे, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है थीटा डिग्री, आर डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है डी बी, स्मॉल एलिमेंट है, बी ओ सेवर्ट लॉ, उससे आसानी से म्यू नॉट डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट फोर पाई मो म्यू नॉट फोर पाई आई डी एल साइन थीटा ओवर आर का स्क्वायर, बी ओ सेवर्ट लॉ मैग्नेटिज्म में म्यू नॉट यहीं आसानी से आ जाएगा, साइन थीटा डायमेंशनल लेस है, फोर पाई डायमेंशनल लेस है, इन सबको भूल जाओ, तो म्यू नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला आर स्क्वायर डी बी मैग्नेटिक फील्ड और मल्टीप्लाइड बाई करेंट और ये छोटा लेंथ डी एल। अब डी बी फिर से मैग्नेटिक फील्ड प्रॉब्लम करने लगा, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए फिर से एक नया फार्मूला मुझे लाना पड़ेगा, और करेंट कैरिंग वायर इज इक्वल टू होता है बिल साइन थीटा, ठीक है ना, ये वाला फार्मूला, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा
फोर्स अपान आई एल, ठीक है, साइन थीटा को भूल जाओ डायमेंशनल लेस है, ठीक है, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर अपान आई डी एल एंड मल्टीप्लाइड बाई डी बी एफ आई एल, ठीक है। अब ये, अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लो म्यू नॉट को, तो लेंथ 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 का स्क्वायर लेंथ का स्क्वायर लेंथ का स्क्वायर खत्म हो गया, ठीक है। फोर्स का हो जाएगा एम एल टी माइनस टू और करेंट एम्पियर, एम्पियर ए की पावर माइनस टू, दैट इज फोर्स एम एल टी, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू ए की पावर माइनस टू, एम एल टी माइनस टू ए की पावर माइनस टू, मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ, करो क्वेश्चन करो, देखो वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो। ये कहता है कि देखो ईटा इज ए कॉन्स्टेंट है, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ईटा अभी निकाल के लेके आए थे, ठीक है, काफी बार याद हो गया होगा इसको, डायमेंशनल फार्मूला ईटा का एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस वन होता है, इसको कर लेना, ठीक है, वी ऑलरेडी नो इट। अगर आपको नहीं आता फिर भी मैं एक बार इसको कर देता हूँ आपके लिए, तो ईटा की वैल्यू जो आ जाएगी वो एफ एफ डेल्टा जेड, एफ डेल्टा जेड, एफ ए और डेल्टा वी, ठीक है। डेल्टा जेड क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ग्रेडियंट क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन लेंथ, तो डेल्टा जेड लेंथ है। फोर्स हो गया एम एल टी माइनस टू, फोर्स हो गया एम एल टी माइनस टू, और डेल्टा जेड लेंथ है क्योंकि ग्रेडियंट लेंथ होता है, ग्रेडियंट बताया गया ना भाई, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट लेंथ ही होता है, ठीक है। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब वेलोसिटी अपॉन लेंथ, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है। चलो एरिया एल का स्क्वायर और ये आ गया वेलोसिटी एल टी माइनस वन, तो एक एल स्क्वायर ने एक एल स्क्वायर को ये सब खत्म कर दिया, तो यह जाएगा एम एल की पावर माइनस वन और टी की पावर माइनस वन, देखो दैट इज ये डी ऑप्शन सही है, ठीक है, क्लियर है। चलो अब ये कहता है कि द फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन ऑफ मास एम सस्टेंडेड, एक फ्रीक्वेंसी एक मास है उसका ऑसिलेशंस का एक फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस का इक्वेशन दिया हुआ है, तो एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है, ठीक है, वेयर एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना, एफ क्या है, वाइब्रेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी, अगर एफ वाइब्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी है तो एफ की वैल्यू रख दो, एफ की वैल्यू रखो फ्रीक्वेंसी का क्या होता, बोलो एल टी माइनस वन, वैल्यू डालो, ए क्या है, ए इज ए डायमेंशनल लेस कॉन्स्टेंट, चलो ए एक डायमेंशनल लेस कॉन्स्टेंट है, इसको भूल जाओ, इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। चलो मास्क एम, एम की पावर एक्स, ठीक है, और के निकालना पड़ेगा यार, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है, तो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के इज इक्वल टू फोर्स अपान लेंथ एल, तो फोर्स का हो जाएगा एम एल टी माइनस टू और लेंथ का एल, तो एल ने एल को, इसका मतलब ये हुआ एम टी की पावर माइनस टू, टी की पावर माइनस टू दैट इज द के, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वाई की पावर आएगी दैट इज एम टी की पावर माइनस टू दैट इज वाई, इसका मतलब ये हुआ कि एम एक्स प्लस वाई, एम एक्स प्लस वाई और टी की पावर माइनस टू वाई, ठीक है। चलो यहाँ से एक्स एंड वाई निकाल सकते हो, अब आपको पता है कि एक्स एंड वाई, एक्स प्लस वाई दैट इक्वल टू जीरो, क्योंकि इधर पावर क्या है, एम नॉट है, टी की पावर माइनस वन है, एम नॉट टी की पावर माइनस वन है, तो एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू आएगी वो जीरो के इक्वल हो जाएगी, मतलब एक्स और वाई आपस में इक्वल होंगे यार, ठीक है, एक्स और वाई आपस में इक्वल होंगे और उनकी साइन अपोजिट होगी, तो कौन सा इसमें से कि एक्स और वाई इक्वल है और साइन अपोजिट है, एक्स और वाई आपस में इक्वल है उसका साइन अपोजिट है, ठीक है। चलो पहला कभी सही नहीं हो सकता, दूसरा कभी सही नहीं हो सकता, ठीक है, अभी इसमें से और भी निकालना पड़ेगा, इसका मतलब इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, इसका मतलब है माइनस टू आई दैट इज टी की पावर माइनस वन, मतलब वाई की पावर वन बाई टू है, तो वाई की पावर प्लस वन बाई टू है और एक्स की पावर माइनस वन, मतलब डी ऑप्शन सही है। तो दिस इज ऑल अबाउट द 31 ईयर प्रॉब्लम ऑफ द यूनिट फर्स्ट। आप अगर आप इतना प्रॉब्लम ढंग से कर लेते हो, मेरी बातें बड़े ध्यान से सुने होगे, तो तुम्हें एक बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा क्वेश्चन करते कैसे हैं, और उसके बाद कुछ इसके बाद ये देखने के बाद और भी टेस्ट दो, इस यूनिट से टेस्ट दो, ठीक है।
टेस्ट दो, 45 क्वेश्चन करो, जिससे तुम्हें पूरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। तो पढ़ाई करते रहो, अपना बहुत ख्याल रखो। थैंक यू, बाय बाय।